सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले अलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या हम अलोक इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका मैं आज आंसर देने वाला हूँ और इसमें आगे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, क्या रीजंस है, क्या इसमें सेटअप बन रहा है, कहाँ पर ये ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है, और कौन सी न्यूज़ है, कौन सा एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में बताया है, कौन से ग्राफ के हिसाब से बात करें तो कब इसने कितना रिटर्न दिया है, काफ़ी कुछ बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अलोक इंडस्ट्रीज, तो इसके ग्राफ पर मैं आ गया हूँ। सिंपल तरीके से हम इस पर डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो आप देख सकते हो 24 रुपये 45 पैसे यह स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। आज डेट है 28 जुलाई, आज डेट है 2021। तो 0.50 पैसे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सस्ता स्टॉक है, 24 रुपये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो। और एक ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप शेयर है। किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इसके मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हो 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ इसके हाई की, 52 इक्के हाई की, तो 52 इक्के हाई की मैं बात करूँ तो 44 रुपये इसका हाई है, और इसके बाद लो की अगर मैं बात करूँ तो 18 रुपये इसका लो है। तो बात करेंगे 5 दिन के टाइम फ्रेम पर कहाँ पर ये गिरा था। तो 26 रुपये के लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ, और गिरा कब तक, 1.75 रुपये गिरा 24.70 रुपये तक, फिर ये ऊपर उठा, फिर 25 रुपये तक ये ट्रेड किया, फिर नीचे आया, फिर ये 1.75 रुपये ये शेयर गिर रहा है 5 दिन के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 महीने की बात करूँ तो काफ़ी कुछ गिरावट इसमें देखने को नहीं मिल रही है, ऊपर भी गया था। अगर 6 महीने की बात करें तो काफ़ी स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। आप देख सकते हो 21.25 रुपये से स्टॉक हो गया था सीधा 31 रुपये तक। आप देख सकते हो 21 रुपये से हो गया था 31 रुपये तक। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, 14% का रिटर्न दिया। और बात करूँ 1 साल की, तो गिरावट ही हमें देखने को मिल रही। तो जो 30 रुपये और 20 रुपये का जो लेवल है, इनके नीचे स्टॉक गया ही नहीं। अगर आप देख लो, खुद भी सेटअप करके देख लेना कि 30 और 20 इन दोनों से नीचे गया ही नहीं था। हाँ, अगर 52 इक्के लॉ की अगर बात करें तो 18.65 रुपये, फिर उसके बाद ये कभी नीचे गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसमें सेटअप भी ऐसे बन रहे थे, ट्रेड ही ऐसे बन रहे थे, कभी बाय हो रहा था ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, कभी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इसमें सेल्स हो रहा था, तो काफ़ी कुछ इसमें चल रहा था। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए क्यों खरीदें। तो हम चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, और किस बेसिस पे चार्ट एनालिसिस मैंने किया है, और शायद हो सकता है इस हिसाब से ही इस पर न्यूज़ हुई हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट के ऐसे ही कुछ पैटर्न्स बने, तो हम चार्ट की बात करेंगे। तो चार्ट पर मैं आ गया हूँ, 1 वीक चार्ट फ्रेम पर हम बात करेंगे। और 1 वीक पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो यहाँ पर अगर मैं इसे जूम करूँ और थोड़ा बड़ा करूँ, इसे इस लेवल्स को मैं थोड़ा बड़ा करूँ, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, और एक ब्रेकआउट मिलता दिख रहा होगा, और रिटेस्ट करता हुआ एक स्टॉक दिख रहा होगा। तो फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न है, पैटर्न को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। और लाइव ट्रेड, लाइव मार्केट में एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो गाइस, आप देख सकते हो फॉलिंग वेज जैसा एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। तो फॉलिंग वेज में क्या होता है? फॉलिंग वेज में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कहीं पर पड़ा हुआ। तो फॉलिंग वेज में ये होता है कि जिस भी डायरेक्शन में अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है, ये तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, कहीं पर भी ब्रेकआउट अगर देता है तो स्टॉक उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसी डायरेक्शन में चल जाता है। कई स्टॉक्स में रैली बन जाती है, कई स्टॉक धीरे से जाते हैं ऊपर या नीचे की ओर। तो इस स्टॉक में देखना होगा कि क्या होता है। तो अगर हम इसके पिछला बात कर लें, पीछे इसमें क्या हुआ था, तो आप देख सकते हो फेब्रुवरी 2020 तक, तो ये स्टॉक ऊपर तो गया, ऊपर कितना गया, अच्छी रैली बने, नीचे आया। अब देख सकते हो कहाँ तक आया था, 4 रुपये तक आ गया था। कहाँ से?
सोलह रुपए से। फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से जो रैली बनी इसे कहते हैं हम रैली। ये जो कंटिन्यूसली जो ऊपर जा रहा था नीचे आया, फिर कंटिन्यू ये ऊपर गया, कहाँ तक गया, 58 रुपये तक, 58 रुपये तक ये स्टॉक गया। फिर उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर हो सकता था ऊपर जाए बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ है, साइडवेज जा रहा था, फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बनाते गया और ये साइडवेज अभी ये जाता हुआ हमें दिख रहा है। नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया और ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट कहाँ पर मिला, तो हमें ब्रेकआउट मिला है इस लेवल पर, यहाँ पर, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है। अगर आप सोच रहे होगे, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, तो आपको ये नीचे जाता हुआ दिखेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ट्रेड ढूंढ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो इसे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहाँ तक आ सकता है, हो सकता है इस लेवल तक आ जाए, 22 रुपये के लेवल तक आए, क्योंकि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है, फिर ये रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाता है। तो ऐसा कुछ इसमें सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख सकता है। तो ये इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा, कौन से लेवल तक, इस लेवल तक 22 रुपये तक ये आ सकता है और यहाँ से रिटेस्ट करेगा ऊपर की ओर, फिर ऊपर की ओर जंप करेगा। किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, पूरा पढ़कर बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक्सपर्ट्स ने इस पर एनालिसिस किए थे और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट दिए थे। तो आप देख सकते हो हिस्टोरिकल इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शुड आई इन्वेस्ट इन अलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, शुड आई ट्रेड 52,000, आप देख सकते हो 5,21,070। तो आप देख सकते हो स्टॉक टुडे इसका चल रहा था, जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, मार्केट चल रहा था अकॉर्डिंग टू अवर लाइव फोरकास्ट सिस्टम अलोक इंडस्ट्रीज LTD, स्टॉक इज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म 1 ईयर इन्वेस्टमेंट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए अच्छा स्टॉक है अलोक इंडस्ट्रीज LTD। स्टॉक प्रिडिक्शंस आर अपडेट एवरी 5 मिनट विथ लेटेस्ट एक्सचेंज प्राइसेस बाय स्मार्ट टेक्निकल मार्केट एनालिसिस। तो हम बात करते सीधा, तो एट वैलेंटी आप देख सकते हो एट valetinvestor.com we predict future values। तो इन्होंने फ्यूचर के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपना एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस फॉर वाइड सिलेक्शन फॉर स्टॉक लाइक अलोक इंडस्ट्री। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टॉक विद गुड रिटर्न्स, क्या आप ढूंढ रहे हो, तो अलोक इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट है, कैन बी अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अलोक इंडस्ट्रीज LTD कॉट इक्वल 24 पर ट्रेड कर रहा है 2021 पर, बेस्ड ऑन आवर फोरकास्ट अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने जो टारगेट, मैं सीधा टारगेट की बात करता हूँ, तो 5 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, 5 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक जा सकता है 71 रुपीज़ तक, 71 रुपीज़ तक, 5 साल ज़्यादा आएगा इस पर। अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इतना रुकना ही पड़ेगा। अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकाल देते हो तो उसे लॉन्ग टर्म हम नहीं कह सकते। अगर आप इसमें $100 इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के अंदर वो $287 बन के आ सकता है, कब, 2026 में। तो ये न्यूज़ थी। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, ब्रेकआउट तो मिल गया, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो है, ये जो टारगेट है, पहले तो इसे अचीव करेगा 58 के टारगेट को, क्योंकि ये रिटेस्ट तो कर ही रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके सीधा ऊपर जाएगा। इतना इजी तरीके से मैंने ट्रेड लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरीके से जाएगा, ये रिटेस्ट करेगा फिर साइडवेज, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज साइडवेज करके 58 तक तो कैसे भी पहुँच ही सकता है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है और ये रिलायंस के अंडर में अभी आता है। तो उसके बाद ये सीधा इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा, कहाँ पर, इस लेवल को, 58 के लेवल को ब्रेक कर देगा। 58 का लेवल ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसे यहीं पर रिजेक्शन मिला था। कहाँ पर रिजेक्शन मिला था, इसे यहीं पर रिजेक्शन मिला था, रिजेक्शन मिलने के बाद नीचे आया और ये अब ऊपर जाएगा 58 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। 58 के लेवल को ये जैसे ही ब्रेक करता है फिर ये रिटेस्ट करेगा और ऊपर तो को जाएगा।
तो कह सकते हैं ऊपर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 70 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो वही उन्होंने जो उनका टारगेट है उन्होंने टारगेट वही रखा। तो सिंपल सा फंडा है गाइस, सिंपल सा ट्रेड है, सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक सीधा ऊपर ही जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि 1 वीक टाइम फ्रेम पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 वीक या 1 ईयर 1 डे डे टाइम फ्रेम पर ऐसे चार्ट पर आपको देखना होगा कि स्टॉक कितना ऊपर जाना है। अगर आप फंडामेंटल्स पढ़ना चाहते हो तो फंडामेंटल्स भी पढ़ो, स्टॉक के किसके अंडर में ये काम कर रहा है वो भी देखो। काफ़ी कुछ बातें होती है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप उसको इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।